रोटी को ढूंढता हुआ रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ आज फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज इनके एनुअल कॉन्वोकेशन डे है, यहाँ पर जो है बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और चीफ गेस्ट में बुलाया गया है गवर्नर गुलाम सबर साहब को और मैडम यास्मीन राशिद साहिबा को, और भी बहुत से लोग यहाँ पर होंगे। और मेरा ख्याल आई थिंक कोविड की वजह से ये 2 साल के बाद यहाँ पर इस कॉन्वोकेशन को रखा गया है। हम यहाँ से बीसी साहब से मुलाकात भी करेंगे और बच्चियों से भी उनकी इस सक्सेस पर उनके व्यूज़ भी जानेंगे। मेरे साथ रहिए और आज का इवेंट एंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ मेरे साथ 2 बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि इनसे आपकी मुलाकात करूँ और इनसे हम जानें इनके क्या व्यूज़ हैं इतनी ज़्यादा अचीवमेंट के बाद। अल्लाह ताला ऐसे बच्चे सबको दे और हमारे भी बच्चों को कामयाब करें, इनको भी मज़ीद अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में। तो पहले ही मेरे साथ मौजूद हैं मरियम सलमान, और दूसरी हैं एनुल यकीन। तो मरियम सलमान से पूछती हूँ कि कितने गोल्ड मेडल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम, मेरे 5 गोल्ड मेडल्स हैं। कैसा फील कर रही हैं? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मैं अपने मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगी, और मैं अपनी अम्मी को बहुत प्राउड किया है मैंने इतने गोल्ड मेडल्स लेके। सो मेरा मेन मोटिव मेरी अम्मी को खुश करना था और अपने मुल्क को आगे पहुँचाना है। जी इंशाल्लाह, जी अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। कितना पढ़ती थी क्या? बहुत ज़्यादा पढ़ती थी? कभी कभार तो मैं 16 घंटे भी एक दिन में पढ़ती थी, लेकिन मेरे से इतनी आसान नहीं होती, आपको थोड़ी सी ग्रिट चाहिए होता है बस। ऑब्वियसली ये तो पहले FSC बहुत मुश्किल, फिर MD कैट बहुत मुश्किल, फिर उसके बाद मेडिकल, माशाल्लाह 5 ईयर्स कॉन्टीन्यूसली करना। और हम होप करते हैं जी इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी डॉक्टर बने, हमारे मुल्क की खिदमत करें, इसी तरह सक्सेस आपको भी मिलती रहे इंशाल्लाह, और आपके हवाले से हमारे मुल्क को भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक जी। एनुल यकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए हैं, मैं देख रही थी इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्शंस और इतने ज़्यादा इनको सर्टिफिकेट्स, दोनों स्टूडेंट्स को दिली खुशी होती है। गवर्नर साहब ने दोनों के लिए 1-1 लाख रुपए का इनाम भी कहा है कि आप वहाँ पे आएँ अपने पेरेंट्स के साथ और गवर्नर हाउस में लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कितने गोल्ड मेडल, कितनी अचीवमेंट्स, थोड़ा सा खुद से बताएं। मेरे 4 गोल्ड मेडल्स हैं, 2 सिल्वर हैं, 1 बेस्ट ग्रेजुएट है, और मेरी 5 डिस्टिंक्शंस हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, मुबारक हो आपको, आपको अल्लाह ताला और भी कामयाब करे। तो कैसी फीलिंग्स हैं राइट नाउ? बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं, आई फील एक्साइटेड एंड प्राउड एट द सेम टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आज का दिन मेरे लिए इतना स्पेशल था, एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में खड़ी हुई हूँ, and that I will be able to serve my country with all the effort that has been put into me by my teachers and the institute as well, and obviously my parents and family. inshallah ji, allah taala aapko bahut kamyab kare. hamari aane wali generation jo bacche abhi aa rahe hain unke liye kya message denge? unke liye yahi hoga ki wo mehnat jari rakhein, lekin apni school life ke sath apni normal life jo hai wohi balance kare, और कोशिश करें कि जितने वो मेहनत कर सकते हैं ताकि वो आगे अपनी कंट्री को सर्व करें, और मेहनत जो है वो जारी रखें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एनर्जी एंड एफर्ट डिमांडिंग फील्ड। तो देखिए एन, एक बात जो मैं फील कर रही, मेरे भी बच्चे हैं और आप जा रहे हैं इस फील्ड की तरफ, सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा MD कैट और FSC क्रिटिकल बना दिया गया, आप क्या सोचती हैं आने वाले बच्चे क्या क्राइटेरिया लेके चलें तो वो भी कामयाब हों? उनको क्राइटेरिया तो यही है कि ऑब्वियसली मेहनत करें, लेकिन वो इस चीज़ से डिसहार्ट ना हो कि बहुत ज़्यादा मेरिट है, अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं, बाकी साइंस की फील्ड्स भी हैं, लेकिन जितना वो कर सकते हैं अपनी तरफ से करें, और ये तो सिर्फ इनिशियल स्टेप्स होते हैं, ये क्लियर कर लें तो फिर आगे इंशाल्लाह आप एक दफ़ा पास में आ ही जाते हो तो फिर आप आगे निकलते हो। थैंक यू सो मच एन, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद हैं ज़रीना, क्वेटा से ये यहाँ पे आई हुई हैं पढ़ने के लिए, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने भी लिए हैं,
तो इनसे मैं बात करूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रीना। वालेकुम सलाम, कैसी है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? दो गोल्ड मेडल आपने भी ले लिए, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेहनत के बाद ये सिला मिलना, मतलब हमारे अम्मी अबू के लिए बड़ी बड़ा दिन होता है ये, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, और थैंक यू हमारे टीचर्स का जिन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया, पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सी ख्वाहिशें अच्छी। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी के आने वाले हर शोबे में कामयाब करे। अच्छा मुझे एक जहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जी FSC, ओ लेवल्स, ए लेवल्स और मैट्रिक, ये सब कुछ कन्फ्यूजन है, और एंड में आके MD कैट पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो बच्चे फिर डिप्रेस हो रहे होते हैं और मेरिट एकदम कहीं का कहीं चला जाता है। बच्चे FSC में भी हर बच्चा 50% वाला भी आ रहा है, 90% वाला भी आ रहा है, तो ये क्राइटेरियाज नहीं होने चाहिए, आपका क्या ख्याल है? मैं ये समझती हूँ कि FSC में क्राइटेरिया 80% कर दिया जाए तो वही बच्चे आगे भी जाएंगे। अब 50% वाला भी वही सोच रहा है, 90% वाला भी वही सोच रहा है, और MD कैट ए लेवल्स का भी और FSC का भी कन्फ्यूजन कर दिया गया, वो सेपरेट होने चाहिए, मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है, आप उनकी क्या व्यूज़ है? मैं आपके पॉइंट से एग्री करती हूँ, एक सेट लिमिट होना चाहिए, एक मिनिमम, कि बच्चे इससे ज़्यादा स्कोर करें सिर्फ वही अप्लाई कर सकें। और जहाँ तक ये ए लेवल ओ लेवल की कन्फ्यूजन है, इक्विवेलेंस वो करते हैं लेकिन वो मेरे ख्याल से इतनी जस्ट नहीं होती, और जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सफ़र करते हैं MD कैट में, उनको दूसरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उनको चाहिए कि कोई इस तरह का कोई तरीका निकालें ताकि जो ए लेवल ओ लेवल भी उसी लेवल पे आके इजीली टेस्ट अटेम्प्ट कर सकें जो कि FSC मैट्रिक वाले बच्चे जिससे अटेम्प्ट करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा इसमें इनइक्वालिटी है, थोड़ा उसको इनको ना सोचना चाहिए कि इसको ना ठीक करें किसी तरीके से, कोई रिफॉर्म्स लेके आए, कोई डिफरेंट करें, ताकि जो बच्चे हैं वो डिसहार्ट ना हो इस वजह से कि हमारा मेरिट जो है वो FSC वालों के बराबर नहीं है, ताकि उनको भी फील हो कि हाँ हम भी उसी लेवल पे हैं जिसपे बाकी स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि बच्चे तो सारे पढ़ते हैं ना, अब बच्चा एक 1023 मेरे अपने जान में हलवा में है, 1023 लेके MD कैट में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम, तो ये ज्यादा हो रही है, कहीं पर कहीं पर कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, लेकिन अगर कहीं से अगर आप पॉजिटिवली सोचें तो ऐसे होता है कि MD कैट में मतलब 40% उनका होता है, FSC का होता है, 10% जो है ना वो मैट्रिक वगैरह का होता है, बाकी सारा जो है ना MD कैट पे बेस करता है, मतलब आप MD कैट में जितना स्कोर करते हो वो जो है ना उसमें काउंट हुआ जाता है। एंड आई थिंक के स्टूडेंट्स को आगे मतलब डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, लाइक अगर लाइफ में एक चीज़ नहीं मिलती तो आप और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा कर लेंगे, मतलब एक ही चीज़ पर नहीं करना चाहिए, डिसहार्ट नहीं होना चाहिए को। नहीं, और वाकई नहीं होना चाहिए सोच, लेकिन एक सोच डेवलप जो शुरू से हो जाती है, जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है कि वहाँ पे आपके बच्चे शुरू से ही उस टाइम में लेके जाते हैं जो उसी फील्ड में जाना चाहते हैं, मैट्रिक टू ऑनवर्ड बच्चे उसी जगह पे एडमिशन लेते हैं जहाँ उन्होंने आगे फील्ड कंटिन्यू करनी है, तो हमारे FSC का चार्म दिखा के MD कैट दिखा के फिर कहते हैं किसी और फील्ड में जाओ, तो ये डिप्रेशन ही हो जाता। बस यही सोचना चाहिए कि लाइफ में एक चीज़ नहीं रहती, आप स्टूडेंट जो हैं वो जाहिर सी बात है दुख तो होता है, लेकिन बंदे को ऐसे होना चाहिए कि दुख नहीं लेना चाहिए ज़िंदगी में, खुश रहना चाहिए, ठीक है नहीं हुआ तो आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को चिल रहना चाहिए, इसी वजह से वो आगे अच्छा पढ़ पाएंगे आई थिंक। वैसे चिल करने का आपसे हम ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आपने इतना ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को और भी कामयाबियाँ दे। थैंक यू सो मच बेटा। जी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबिया, थोड़े से इनके भी मैं व्यूज़ जानना चाहूँगी, कितना पढ़ना चाहिए और आज के दिन को कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए यही होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। क्यों राबिया कैसी है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। तो कैसा लग रहा है, और हमारे बच्चों को बताएं कितना पढ़ना चाहिए? लग तो बहुत अच्छा रहा है, यूनिवर्सिटी बनने के बाद, फातिमा जहाँ मेडिकल कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनने के बाद, दिस इज़ आवर फर्स्ट बैच यूनिवर्सिटी का जिसकी कॉन्वोकेशन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सब फेलोज़ को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स, और पढ़ना तो बहुत पड़ता है, जाहिर सी बात है सबको पता है किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, लेकिन MBBS के लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा मसला नहीं है कि जब हमने कर लिया तो बाकी भी कर सकते हैं। मेरे अपने फेलोज़ और कमिंग ग्रेजुएट्स के लिए यही है कि जब हमने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हैं, हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं, अप्स एंड डाउन साथ साथ हैं, कुछ लोग जैसे हमारे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, और हमारे हम खुद यही लोग हैं जिनकी पार्टिसिपेशन होती है हमारी कामयाबी के अंदर, तो इनकी दुआएँ अपने साथ रखनी चाहिए आज हर। बाकी बहुत ज़्यादा मुबारक सबको, और आने वालों के लिए एनकरेजमेंट ही है, होप इज़ बेस्ट, और वैसे भी जो है ना जब आप कोशिश करते हो तो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी कोशिश कोई भी रायगा नहीं जाती, हम कामयाब हो गए हैं तो बाकी भी ज़रूर हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जी माशाल्लाह एक और डॉक्टर, डॉक्टर आयशा जही मेरे साथ मौजूद हैं। 4 और 5 कितने गोल्ड मेडल लिए आपने? 4 गोल्ड मेडल्स एंड 1 सिल्वर मेडल।
माशाल्लाह जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू, जजाकल्लाह जी। क्या व्यूज़ हैं, कुछ कहना चाहें हमारे न्यू आने वाले बच्चों को, क्या कहना चाहेंगी? और आपके अपने क्या व्यूज़ हैं? स्टडी के रिलेटेड मेरे व्यूज़ ये हैं कि मेहनत करनी चाहिए, होती तो मुश्किल है ये स्टडी, लेकिन जिनके एम हाई होते हैं और जो हौसला रखते हैं और जो हिम्मत करते हैं वो जीत जाते हैं। और डिटर्मिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल ही जाती हैं इंसान को, बस फाइंड आउट करनी होती है, इंसान ने अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं। ईजी नहीं होता कुछ, मुश्किल होता है, बस स्ट्रगल इम्पोर्टेंट है, हार नहीं माननी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही, स्ट्रगल मेरा ख्याल है, स्ट्रगल विद होप इज़ द नेम ऑफ अनदर नेम ऑफ लाइफ। क्या आप स्ट्रगल करते रहे होप के साथ? हाँ, बिलीफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। तो घर वालों की आए हुए हैं, आपके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा दिन होता है बच्चे की अचीवमेंट, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है उनकी कामयाबी, पेरेंट्स की लाइफ यही होती है कि बच्चों को अपने कामयाब पॉइंट तक पहुँचा दें, तो हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आप? लाहौर से बिलोंग करती हैं? लाहौर के अराउंड सराउंडिंग में, नारंग नारंग मंडी से बिलोंग करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तो आज जिन बच्चियों ने आज अपनी ग्रेजुएशन की है और जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं और जिन्होंने बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड लिए हैं, उन सब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और दो हमारी बेटियों ने, इफ आई कैन रिमेंबर द नेम राइट, डॉक्टर नताशा आई थिंक, और दूसरी हमारी बेटी ऐनुल यकीन अख्तर मलिक साहबा, उन दोनों ने बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड लिया है, मैं उनको खासकर मुबारकबाद देता हूं। और मैं दोनों के लिए एक एक लाख रुपया जो है गवर्नर हाउस में इंशाल्लाह अपने पेरेंट्स के साथ आए तो इंशाल्लाह तो उनके लिए ये इनाम जो है वो दिया जाए। तो आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि डॉक्टर बने हैं और डॉक्टर से आप अपना रिजक भी कमाते हैं और लोगों की खिदमत भी करते हैं। और मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि किसी मरीज की इयादत करना जो है उसकी तीमारदारी करने में ही इतना सवाब है कि जिसका अंदाज़ा नहीं। तो आप लोग तो लोगों को जिंदगियां देंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, अल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने इस शोबे में कामयाबी दे। और एक बात मैं आपसे हमेशा जब भी मुझे कहीं मौका मिलता है यूनिवर्सिटीज में या बच्चों को एड्रेस करने में, तो मैं उनको दो तीन नसीहतें जो है अपनी तजर्बे की बुनियाद पर ज़रूर करता हूँ। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटियों, जो आपकी कामयाबी है उसमें आपके वालदैन का, आपके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। आपके वालदैन मुश्किल में होते हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप में होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जो है हार्डशिप लेते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जितनी ज़्यादा आप अपने वालदैन को इज्जत देंगी, जितनी अपने वालदैन की खिदमत करेंगी, अल्लाह ताला ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी आपको यकीनी तौर पर कामयाबियों से नवाजेगा। तो इसलिए खिदमत जो है अपने वालदैन की, और फिर अपने उस्ताद जो हैं उनकी इज्जत करें। जी मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शमसा एंड प्रोफेसर नौरीन अकमल साहिबा, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ इनके व्यूज़ भी आज के कॉन्वोकेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश। ऑब्वियसली आपके बच्चे कामयाब होते हैं तो आप लोगों के लिए भी वो एक सक्सेस ही होती है। बिल्कुल जी। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और इन बच्चियों ने पाँचों साल की जो डिग्री है वो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि पहले हम फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज थे और अब हम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। और कॉन्वोकेशन एक बहुत बड़ा दिन होता है ग्रेजुएट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि दोनों की मेहनत रंग लाती है आज के। बिल्कुल ऐसा ही है। होपफुली जी आप लोगों के बच्चे और भी कामयाब हों
और आप लोग इसी तरह ही कामयाबियाँ देखते रहें अपने लिए भी और उनके लिए भी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ही आज बच्चों के लिए एंड फॉर देयर पेरेंट्स इट्स अ प्राउड मोमेंट और ये फर्स्ट कॉन्वोकेशन है जो हमारे आज लॉन में यूनिवर्सिटी के उसमें हुआ है और दो क्लासेस हमारी इकट्ठी थी। जैसे डॉक्टर नौरीन ने कहा कि ये फर्स्ट बैच था जिसके सारे प्रोफेशनल्स एज ए यूनिवर्सिटी हमने लिए हैं। प्रीवियसली इट वॉज फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज और मैं मुबारकबाद दूँगी वाइस चांसलर प्रोफेसर अमर जमान खान को और सारी टीम को, पूरी फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को। कैसा फील कर रही हैं आप आज का इवेंट, जो एक बंदे की कामयाबी होती है जब बंदा एफएससी करता है, फिर हो नहीं होगा क्या होगा, बड़ा एक स्ट्रेस होता है, आप उस प्रोसेस से गुजर के माशाल्लाह फिर 5 साल आपने ये कामयाबी भी देख ली, आज आपके पेरेंट्स भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से खुश हो गए, सुकून आता है पेरेंट्स को भी, तो आप लोगों की अपनी फीलिंग्स थोड़ी सी शेयर करें। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इट्स रियली अ बिग डे क्योंकि हम लोग इतनी दूर से यहाँ पे सिर्फ इस डिग्री के लिए आए थे, वी आर फ्रॉम एजेके और वी आर फीलिंग वेरी प्राउड एंड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप लोग आज़ाद कश्मीर से आए हैं। बेसिकली आई हियर ऑन द प्रोविजनल सीट्स, वी हैव एजेके हैज सम लिमिटेड सीट्स इन हियर, सो फर्स्ट गेटिंग इनटू एफजे वाज रियली अ बिग थिंग फॉर अस एंड नाउ दिस कॉन्वोकेशन एंड फाइनली रिसीविंग द डिग्री वी ऑलवेज worked for like these in these 5 years, so it's we are all like grateful to our university and alhamdulillah obviously all thanks to Almighty who made us capable of doing such things, so thank you. Any message you want to give to any other children who are coming in this field? I guess first of all obviously everyone should opt what they think they are actually made for, so it's just not being a doctor or what. You should choose what you feel like you are actually made up for. So that's the lesson I actually want to give. Try again, keep struggling. Yeah. Nothing is impossible, yeah. Na? So agar aap bahut zyada hard work karenge, you'll finally achieve it. Inshallah. Thank you so much, beta. Best of luck. जी मैं मौजूद हूँ सर डॉक्टर नवीद इकबाल साहब जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और इन्होंने आज की जो इवेंट है उसको सक्सेसफुल बनाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि ये मैनेजमेंट में थे और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर थे। एज अ फैकल्टी मेंबर मैं जानना चाहूँगी इनके क्या व्यूज़ हैं आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे वक्त दिया कि मैं इस मौजे पर कुछ बोल सकूँ। सबसे पहले तो मैं इस वर्ड्स को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हमारे इस कन्वोकेशन के को जो है पसंद किया और इसकी जो कामयाबी पे हमें मुबारकबाद भी दी। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये एक मैन वन मैन शो नहीं होता, इसमें एक टीम वर्क होता है, हर बंदे की इन्वॉल्वमेंट होती है। हर बंदा जब हम कोई किसी किस्म का ऑर्गेनाइज करते हैं तो मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाते हैं, हर कमेटी के ज़िम्मे कुछ काम दिए जाते हैं और हर कमेटी अपना ऐसा तरीके से काम करती है तो फिर एक जो वेंचर है उसको हम अचीव करने में कामयाब होते हैं। तो मैं इससे इसके जो हैं वो ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इसकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरा, इस कन्वोकेशन की सबसे जो हमारे लिए चैलेंज ये भी था कि हमारा ये फर्स्ट बैच था जो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि आपका ये मेरा ख्याल है पूरे 5 साल का ये पहला, उससे पहले आप मेरा ख्याल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी डील कर रही थी तो आप लोगों का ये फर्स्ट है। हाँ जी, इससे पहले क्योंकि कुछ जो हमारे बैचेस जाते थे कुछ का पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम लिया था, कुछ का हमने लिया था, तो वो कन्वोकेशन होता ज़रूर था लेकिन वो इस तरह का नहीं होता था कि होली सोली हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब जो ये बैच गया इसमें जो हम 5 साल इसका सारे जितने भी एग्ज़ाम थे वो हमारे फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लिए, तो हमारे लिए एक एज़ाज़ भी था, हमारे लिए एक चैलेंज भी था। तो अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इसमें बड़े कामयाब हुए और इसको हम ऐसे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और ये एक बड़ा अच्छा इवेंट था माशाल्लाह, आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट भी बुलाए, गवर्नर साहब और यास्मीन राशिद साहिबा। और इसमें नेक्स्ट जो है हमारा, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? अभी पिछले साल कोविड की वजह से नहीं हुआ चूँकि, तो बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं चूँकि कि हमारा ये एक सक्सेसफुल डे होता है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, तो ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ये इस तरह की अचीवमेंट जो बच्चों को उनकी एक तरह की मोटिवेशन मिलती है उन इस तरह की, जब वो ग्रेजुएशन करते हैं उनका अवार्ड, मैंने देखा बहुत से बच्चों ने माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी बहुत ज़्यादा भी लिए हैं बच्चियों ने, तो इस बारे में क्या कहते हैं? कोई शक नहीं जी, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो स्टूडेंट लाइफ में जब भी कोई स्टूडेंट हो वो किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या एकेडमिक इसमें अचीवमेंट को, तो उसकी ख्वाहिश ज़रूर होती है कि उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए और सर्टिफिकेट इस तरह प्रेजेंट किया जाए कि उसके लिए वो एक यादगार हो। तो मेरे ख्याल इस ये बड़ा ज़रूरी है कि हर साल कन्वोकेशन हो ताकि स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को इंजॉय कर सकें और अपने आप को एक ऑनर महसूस करें कि हमें एक हमने जो अचीवमेंट की उसको
एक तो ऑनर किया गया और उसको यादगार बनाने के लिए हमारे ये कन्वोकेशन किया गया, तो ये लाजमी बात ही होना चाहिए। ये जो कोरोना या क्या एलिमेंट है ये फार टाइम भी है, वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस वक्त भी कोरोना था, हमने किया थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कर लिया, हमने अपने कोई अटेंडेंस कम की, तो पेरेंट्स को हमने अपना जो है वो थोड़ा उनको नहीं बुलाया, हमें खुद भी फील हुआ क्योंकि पेरेंट्स को भी एक होता है कि एक उनका स्टूडेंट जिस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, अपने इकोनॉमिक्स भी ली होती है, टाइम भी लगाया होता है, तो उसकी खुशी में उसके साथ हों, तो हमें खुद तो फील ज़रूर हुआ ये, लेकिन क्या कहें कि कोरोना की वजह थोड़ा समय रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है। सही बात है, ये वाकई कोविड की वजह से था कि बच्चे भी रिस्ट्रिक्टेड, उनके पेरेंट्स को वो एक मिसिंग होती है, बच्चों के पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं सारी उनकी सक्सेस का वो दिन एंजॉय करने का, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है ओवरऑल जी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया और अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया आप लोगों ने, और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और अच्छा इवेंट भी, आपकी बहुत बड़ी मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं और हमारे चैनल को इन्वाइट करने का और हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया, हमारी इज्जत बख्शी। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त सर आमिर ज़मान ख़ान साहब के साथ, वाइस चांसलर हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के। सर की बहुत सी डेजिग्नेशंस हैं और आज इन्होंने इवेंट कराया, कॉन्वोकेशन था, एनुअल कॉन्वोकेशन, जो बच्चों को जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, आज गवर्नर साहब को इनवाइट किया गया था और मैडम यास्मीन राशिद को भी इन्वाइट किया गया था। तो मैं बात करूंगी सर से और जानना चाहूंगी कि आज इनकी जो इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, बहुत अच्छा इवेंट था माशाल्लाह, और इनके क्या व्यूज़ हैं और इतना सक्सेसफुल इवेंट करने के बाद, और इन्होंने अब तक की कितनी डेस्टिनेशन लिए हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैडम बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे आने का। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, आप तो नहीं, बहुत बिजी हैं, मैं आपको देख रही हूं। बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा मैडम, आई एम बेसिकली अ जनरल सर्जन जी, मेरी जो एक स्पेशलाइजेशन है वो जनरल सर्जरी की है। सो कुछ 6-7 साल पहले तक तो मैं 2-3 इंस्टीट्यूशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ही के तौर पर था, लेकिन जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पिछले कुछ सालों में इंजॉय किए हैं उनमें दोनों किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की और दोनों यूनिवर्सिटीज़ के प्रो वाइस चांसलर की पोस्ट हैं वो मैंने की हैं। तो लेकिन इसके अलावा जो और दो पोर्टफोलियोज़ हैं कि जिसका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा इसके अलावा, वो ये है कि आई एम आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ सर्जन ऑफ पाकिस्तान आजकल, और उससे भी बढ़ के जिस चीज़ का है कि एक कॉलेज है हमारा, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान, आगे जो कि कैटर करता है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को। आई एम वन ऑफ द काउंसलर्स आल्सो फ्रॉम लाहौर। सो ये मुख्तसरन ये चीज़ है। तो आजकल हाई लेवल की सारी डेजिग्नेशंस अचीव की अल्लाह ताला की मेहरबानी से जी। मतलब मैं बहुत इस चीज़ से बड़ा पक्का बिलीव करता हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में डाल दी हैं। चलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की कामयाबियाँ इंसान की। आप माशाल्लाह से हैं भी बहुत अच्छे, मैं तो देख रही हूँ ना डॉक्टर साहब के साथ आपको, तो आपकी नेचर, आपकी डीलिंग्स लोगों के साथ माशाल्लाह इतना नाइसली आप सबके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह जो आज का हमारा फंक्शन था नवीद साहब से, मैं ये बात कर रहा हूँ जी, देट वॉज बेसिकली इट्स नॉट द वाइस चांसलर, इट इज़ बेसिकली होल ऑफ द यूनिवर्सिटी। और मैं कहता हूँ वही जो आप बात कर रही हैं वो इसीलिए था कि शुक्रिया अरे का इसलिए अदा कर रहा हूँ कि राइट फ्रॉम टीयर वन का जो हमारा मुलाजिम है अप टिल द वीसी, जब तक कि एक टीम एफर्ट ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आज सोचते कि शायद ये सक्सेसफुली ऐसे ही होता है सर। और मुझे वो एक कॉन्सेप्ट आता है ना एक फादर का, एक फैमिली में मुझे आज बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे एक फादर अपने सब बच्चों को लेके और मिला के चल रहे होते हैं और उनकी केयर कर रहे होते हैं, कौन कहाँ पर है, आप सबको लेके चल रहे थे। मेरा ख्याल है इसमें तो बहुत बड़ी जो हमारी यूनिवर्सिटी के लोग हैं मेरे से ज़्यादा, ये उनकी वर्च्यूज और उनकी उनकी अच्छाई हैं जो मैं आपको। सर आपका बड़ा पान है सर, आप आज का इवेंट माशाल्लाह आपका बहुत सक्सेसफुल है। जी हाँ, गवर्नर साहब भी आए हुए थे, मैडम यास्मीन राशिद साहब भी आई थी, साहब आई हुई थी, और डॉक्टर जावेद अकरम भी आए हुए थे। जी जी जी, और मसूद साहब आए थे, मसूद साहब आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा रहा, गवर्नर साहब भी बड़े खुश थे। जी मैडम, एक गवर्नर साहब बींग दी चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो एक तो बात ये कि बड़ी हमें उनकी पैट्रनेज हासिल है,
ज़ीरो इंटरफेरेंस इन द मैटर्स एकेडमिक मैटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, लेकिन जहाँ पे हमें किसी ना किसी तरह का उनकी सपोर्ट चाहिए वो हमें कोई 200% मिल जाती है उनसे. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम और क्वाइट फ्रीक्वेंटली वो यहाँ पे आते हैं. उसकी दो तीन वजह पिछले दिनों में ये थी कि कोविड का ज़माना था जी, तो एक तो ज़रूर वो कोविड वालों को अप्रिशिएट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ जो हॉस्पिटल हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. फिर एज ए यूनिवर्सिटी हमने टेली मेडिसिन का डिपार्टमेंट जो उन्हीं का एक सिलसिला था वो, और तीसरा एक जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो ये कि यहाँ पे 600 बेडेड का मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बन रहा है. तो उस सारे की सरपरस्ती के लिए, उस सारे को देखने के लिए हमें बहुत फ्रीक्वेंटली हेल्थ मिनिस्टर भी या गवर्नर साहब भी फातिमा जिनाह में विजिट करते हैं जी. माशाल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी और बड़ा अच्छा इवेंट आपका, मैंने देखा, मैंने भी देखा है, बड़ा बन रहा है. तो इंशाल्लाह जी आपकी हॉस्पिटल की एक अचीवमेंट है. जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सर गवर्नर साहब ने कल बच्चियों को प्राइज भी देने का उन्होंने कहा कि हमेशा करते हैं जी. अच्छा। और इस दफ़ा तो तकरीबन डबल करना पड़ेगा. अच्छा। क्योंकि हम पिछली दफ़ा कोविड की वजह से हम अपना जो है वो कॉन्वोकेशन नहीं करवा सके. अच्छा। तो इसको हमने इस दफ़ा बहुत लिमिटेड किया क्योंकि अभी तक NCOC की ही रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं आज भी. तो हमने इसको ओपन में किया. आपने देखा होगा कि हमारा जो था गेस्ट लिस्ट भी बड़ी लिमिटेड थी क्योंकि हमें 300 के अंदर अंदर रहना था. सो लेकिन उसमें हमने जो पिछले साल के मेडल होल्डर्स थे उनको भी इनवाइट किया. तो गवर्नर साहब ने अब जो दोनों बेस्ट ग्रेजुएट्स हैं 2014 से 19 का सेशन और 2015 से 20 का सेशन, उन दोनों को इनवाइट किया टू द गवर्नर हाउस फॉर अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, जिसके दौरान वो जैसे आप कह रही हैं कि वो एक फाइनेंशियल उनको ज़रूर इंसेंटिव्स और बच्चों को देते हैं. वन लाख का तो वो जी हाँ जी हाँ, और इतना ज़रूर देंगे वो हमेशा करते हैं ऐसे. पिछले साल भी उन्होंने हमारे ग्रेजुएट्स बेस्ट ग्रेजुएट के साथ ऐसे किया था. लेकिन वो जो आपकी बात है कि अ बिग पैटर्न ऑफ फीमेल एजुकेशन एंड फीमेल एम्पावरमेंट, वो गवर्नर साहब जो है ना वो वाकई बहुत बड़े एडवोकेट हैं इस चीज़ के. एडमायर करते हैं क्योंकि उनकी मिसेज भी खुद बहुत एक्टिव हैं जी. तो वो मेरा ख्याल है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ उनका बहुत ज़्यादा, मैं भी उनको नोट करती रहती हूँ, देखती हूँ. और मैसेज गवर्नर साहब, तो मेरी भी इंटरेक्शन ऑब्वियसली है, तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे गवर्नर साहब उनकी मिसेज बहुत काम जी बहुत ज़्यादा दोनों. सर कोविड रहा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, ये पेंडेमिक रहा और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, हॉस्पिटल्स स्पेशली डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा सफर किया. मैडम हमारे साथ में तीन हॉस्पिटल्स हैं. वन इज़ गंगाराम हॉस्पिटल, एक हमारे साथ मजंग टीचिंग हॉस्पिटल है, और तीसरा जो हॉस्पिटल है वो हमारे साथ गवर्नमेंट शाहदरा टीचिंग हॉस्पिटल है. कोविड के दिनों में जैसे आप फरमा रही हैं कि इन तीनों हॉस्पिटल्स ने अपने जो बाकी जो एडमिशन थे उनको कम करके कोविड के पेशेंट को कैटर किया. उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, हर एक टेक्नीशियंस जो है ना उन्होंने अपना रोल प्ले किया. गंगाराम इसलिए भी यूनिक है क्योंकि आपको पता है कि पूरे मुल्क में इसका नाम इसकी गायनी और पीड्स की सर्विसेज के लिए है. सो पंजाब गवर्नमेंट ने भी हमें नोटिफाई किया कि जितने भी प्रेग्नेंट कोविड पॉजिटिव फीमेल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो गंगाराम में कैटर किए जाएंगे. तो ये भी हुआ. फिर मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सिटी के लेवल पर टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट, हमारे तीन डिपार्टमेंट्स बहुत आगे अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीजिया, अलॉन्ग विद जो हमारी ICU की फैसिलिटीज़ थी वो सारी भरपूर तरीके से वो बिल्कुल इस्तेमाल की गई. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द फैकल्टी, टू द डॉक्टर्स, और जैसे मैंने कहा हर टीयर का बंदा जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया जी. ओबियसली सर डॉक्टर्स ने तो बहुत ज़्यादा क्योंकि फर्स्ट लाइन पे थे जी, तो ओबियसली उनके लिए बड़ा उनके कंट्रीब्यूशन इसमें नो डाउट के जो है वो बहुत एडमायर करने वाली है. सर लेडीज़ के साथ काम करना मुश्किल होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं. आई हैव स्पेंट अबाउट 20-25 ईयर्स इन दिस इंस्टीट्यूशन. और अभी आपने आज हमारे साथ सारा दिन गुजारा, आपका हमारी फैकल्टी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ. आपको इनमें से कोई ऐसी खातून लगी है जो कि डिफिकल्ट हैं? कम अज़ कम मैं तो फातिमा जिनाह की हद तक तो ज़रूर कह सकता हूँ. नहीं, मेरा ख्याल से बल्कि ज़्यादा सूदिंग एनवायरनमेंट हो जाता है. हमें इतनी अच्छी एडवाइस और ये वो, हाँ बहुत अच्छा. मतलब हमारा तो बहुत अच्छा एक वर्किंग एक्सपीरियंस है ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ के ख्वातीन भी काम करती हैं. जैसे बिल्कुल सही है. अच्छा, और खवातीन को इनकरेजमेंट भी मिलती है वैसे कि उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो वो फिर जी हाँ और ज़्यादा. नहीं, 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 बात सर बच्चे जो आजकल अब न्यू आ रहे हैं FSC, O levels, A levels, और फिर आके MD CAT में आके फंस जाते हैं और फिर डिप्रेशन हो जाता है बच्चों को, इस हिसाब से आपका क्या ख्याल है? कोई क्राइटेरिया होना चाहिए O levels के बच्चों को एक साइड पर अगर रखा जाए? मैडम उनका क्राइटेरिया अलग हैं. पहली बात तो ये कि ऑफकोर्स ग्रीवियंसिस तो होती हैं लेकिन उनको एड्रेस करना चाहिए एंड शुड कम अप विथ
ऐसे सॉल्यूशंस जो सेटल भी हों और हर एक के लिए इक्विटेबल भी हों। सो एक तो जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है पीएमसी, वो कोशिश ये कर रही है कि अगर एमडी कैट आए तो उसके स्टैंडर्ड्स भी ऐसे सेट करें और वो एग्ज़ाम भी ऐसा हो जो कि पूरे मुल्क के लिए एक जैसा हो। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, वो जो ओ ए लेवल्स के बच्चे हैं जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और जब वो इक्विलेंस पे आते हैं तो वो मार खाते हैं यहाँ पे। सो मेरा ख्याल है कि पीएमसी इज़ ऑन इट ऑल्सो, और उस सेगमेंट के बच्चों को भी कैटर करना चाहिए। बाकी जैसे आपने कहा कि आप इस ऐसे प्रोफेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम है कि जिसमें सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम मेरे हिसाब से मुनासिब शायद नहीं है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमें बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट, हमें इसमें बच्चों का कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी ज़रूर ऐड करनी चाहिए ताकि एक मुनासिब और अच्छी सिलेक्शन बच्चों की हो जिन्होंने बाद में डॉक्टर बनना। जी ऐसे ही, और सर ये जैसे हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं कि शुरू से ही मैट्रिक के बाद बच्चे उसी लाइन में चले जाते हैं जहाँ उन्होंने आगे फर्दर कंटिन्यू करना जी बिल्कुल, लेकिन हमारे पास बच्चों को मैट्रिक ओ लेवल करके तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब एफएससी या ए लेवल्स, तो वो फिर माएँ सखारे कर रही होती हैं और बच्चे डिप्रेशन के अब किस साइड पे जाएं, बाद में रोना है, टेंशन देनी है। जी बिल्कुल, अगर किसी एक्सपीरियंस लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं इसमें नहीं तो इसमें, जिसका जो एक्सपीरियंस। मैं पीएमसी के एकेडमिक बोर्ड पे भी हूं, जैसे इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि दे आर ऑन इट, कि ये थोड़ी सी जो ज्यादती एक छोटे सेगमेंट के साथ है वो भी ना होने पाए। सर मेरा अपना जो पर्सनल मैं एक्सपीरियंस समझती हूँ, मेरे भी अब बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, और हम चूँकि हस्बैंड भी डॉक्टर हैं तो हमने देखा है अपने इर्द गिर्द में भी, खुद भी एफएससी की, और हमने मैंने एंड के फ्यू पॉइंट्स मैंने भी मार खाई हुई है। जी जी, तो उसमें ये कि मेरा ख्याल है कि हम अगर 80% एफएससी में क्राइटेरिया कर दें एडमिशन का, जी हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे बहुत सफ़र करने से बच जाएंगे। जी मैडम, मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि नहीं नहीं क्यों नहीं हो सकता, मतलब आई एम नॉट वन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स, बट जो मुझे जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई वो शायद इसीलिए थी के प्रोविंस के डिफरेंट बोर्ड्स में कुछ मार्क्स जो है वो दिए गए ऐसे ऐसे नीचे दिए गए कि कुछ एक जो डिवीजन से या बोर्ड से वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा उनको फ़ायदा हो रहा था और कुछ को नहीं, तो फिर एक एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा कि जिसको एमडी कैट कहा गया। अगर हम उस लेवल पे इस चीज़ को कैटर कर लें तो शायद फिर एग्ज़ाम की ज़रूरत भी नहीं पड़े। सर उसके लिए फिर ये हो सकता है कि ए लेवल्स ओ लेवल्स के बच्चों को जाने दें उनके रास्ते पर, उन्हें कन्फ्यूज़ ना करें एफएससी की तरफ, तो इनका क्राइटेरिया अलग कर दें। मैडम हमारे बच्चे बस मैसेज यही है कि हमारा प्रोफेशन एक ऐसा है कि जिसमें एम्पथी का एलिमेंट बहुत है जो ये मेडिकल प्रोफेशन है। सो हमारे बच्चे जो हैं वो नॉलेजेबल भी हैं, हमारे बच्चे एक सर्टन स्किल्स भी अचीव कर लेते हैं और अच्छी कॉम्पिटेंसीज भी हैं। जहाँ पे आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें है वो ये बच्चों के शायद एटीट्यूड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो अगर उस पे थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी, और इवन जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाते हैं, तो अगर इस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो जो हम कहते हैं ना एक 7-स्टार डॉक्टर बनना चाहिए अगर हमारे क्राइटेरिया से निकले, तो इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। मेरा ख्याल इसमें कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है जी, वही ना, उसमें वर्कशॉप्स किए जाएँ, उनकी काउंसलिंग की जाए, ये सारा इसका कोई कैपेसिटी बिल्डिंग उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में की जाए, तो ये चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मायूसी वाला एलिमेंट नहीं है, इंशाल्लाह। मतलब एक सिर्फ हम डिग्री होल्डर नहीं चाहिए, हाँ हम एक कामयाब इंसान की शक्ल में भी, बिल्कुल, मैं जैसे मैंने कहा बाकी एट्रीब्यूट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने ये प्रोफेशनल के ये वाला एस्पेक्ट एकेडमिक एस्पेक्ट के एट्रीब्यूट्स। ऑब्वियसली हमें अगर हम फ्यूचर अच्छा चाहते हैं अपनी आने वाली नस्ल का, तो हमें हर तरह से उनको कामयाब बनाना है, एक अच्छा इंसान सामने लाना है। एक अच्छा डॉक्टर जो है वो सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं होता, बल्कि एक बहुत अच्छी तरबियत के साथ और अच्छी वैल्यूज़ के साथ भी आगे। बिल्कुल, आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया वो वैल्यूज़ वाला, मैं कल दैट इज़ द बेंचमार्क। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत आपके आने का आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं मौजूद थी आज फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में, आपने कॉन्वोकेशन देखा, गवर्नर साहब और मैडम यास्मीन राशिद साहबा मौजूद थे।
हमने वीसी साहब से भी बात की, बच्चों की कामयाबी का दिन हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है, उनकी कामयाबी का दिन देखना, उसको एंजॉय करना, क्योंकि उन्होंने बड़े लंबे टाइम से बच्चों पे इन्वेस्ट किया होता है, मेहनत की होती है ओबेसिटी, और एक ख्वाब होता है कि बच्चों को कामयाब होता देखें, तो एक बड़ा दिन होता है बच्चों के लिए भी, एक डिग्री लेना यहाँ से हर माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को कामयाब होता अपनी आँखों के सामने देखें, और अल्लाह ताला, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करें। आज का प्रोग्राम से आपको भी, यकीन हमारे आने वाले बच्चों को भी बहुत मोटिवेशन मिली होगी जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। मुझे आज तक के प्रोग्राम में यहाँ तक इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके लिए एक और मोटिवेशन लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए शाहिदा नवीद को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। रोटी को ढूंढता हूँ।